एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रेया ब्यूटी टिप्स। सो आज मैं आपके साथ ऐसा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। हम सभी को डैंड्रफ होता है, चाहे हम गर्ल्स हो चाहे हम बॉयज़ हो, हम सभी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। बट हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर लेना है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमें डैंड्रफ होता क्यों है। सो हमें डैंड्रफ होता है जब हम अपने स्कैल्प को क्लियर नहीं रखते हैं, उस बेसिस से भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड रीज़न ये है कि हम अगर ज़्यादा अमाउंट में ऑयलिंग कर लेते हैं उससे भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। अगर आप कुछ ज़्यादा अमाउंट में ऑयलिंग करते हो उससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होती है। सो आपको ध्यान ये रखना है कि जितना आपको ऑयलिंग करना उतना ही करें, आप एक्सेस ऑयलिंग ना कर ले जिससे कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाए। अगर आप अपने स्कैल्प को क्लियर नहीं रखोगे उससे भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है अगर अपने फेस को क्लियर नहीं रखते हैं इससे हमें डार्क स्पॉट पैचेस एंड पिंपल्स वैसे होती, उसी तरीके से हमारे स्कैल्प हैं, स्कैल्प को भी अगर हम क्लियर नहीं करते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे शैम्पू नहीं करते हैं, वीक में अगर हम 2 से 3 बार शैम्पू नहीं करते हैं उस बेसिस पे भी हमें डैंड्रफ होता है। सो मैं आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपको जो केयर करना है अपने स्कैल्प का उससे भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। मैं इस रेमेडी को पिछले 2-3 हफ्तों से यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस रेमेडी को यूज़ करते हुए, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कि डैंड्रफ की, तो डैंड्रफ अगर आपको है तो बेसिकली आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि बायोटिक का हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, बहुत सारी है। सो आपके स्कैल्प के लिए जो सूटेबल है आप वो यूज़ करें। तो स्कैल्प 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑयली होते हैं एक ड्राई होते हैं। तो ऑयली वालों लोग के लिए भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है एंड ड्राई स्कैल्प वालों के लिए भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, क्योंकि डैंड्रफ आम बात है। अगर हम अपने स्कैल्प को क्लियर नहीं रखेंगे तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम लाजमी है कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी। सो हमें डैंड्रफ को कंट्रोल करना है। सो अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, सो आप डबल बॉयलिंग प्रोसेस से ऑयल को थोड़ा गर्म कर लो, जैसे कि डायरेक्ट आपको मतलब कि नहीं करना है। अगर आप एक पतीला ले लो उसमें थोड़ा पानी गर्म कर लो, उसके बाद वो पानी गर्म हो जाए तो उस पतीले को हटा दो और जहाँ पे आपको ऑयल यूज़ करना है उसे एक पतीले में ऑयल रख लो और उसको फिर उस पतीले में डाल दो, जिससे कि वो उस पानी के कारण से वो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। फिर उसको आप थोड़े थोड़े अपने स्कैल्प में मसाज करो, इससे क्या होगा कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम होगी। अगर आपको ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप लेमन का यूज़ करो। अगर आप ऑयलिंग करने जा रहे हो तो उस ऑयल में आप 1/2 लेमन की जूसेस को अच्छे तरीके से छन्नी से छान के उसकी जूसेस उसमें डाल दो और उसके बाद उसे अपने स्कैल्प में यूज़ करो। इससे क्या होगा कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होगी। और आप रात में इसे यूज़ करो और सुबह उठ के आप अपने हेयर को वॉश कर लो, माइल्ड शैम्पू से वॉश करो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करो, जिससे कि आपको जो शैम्पू सूटेबल लगता है, ऐसा नहीं है हेड एंड शोल्डर यूज़ करो, जो भी शैम्पू आपको सूटेबल लगता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ करो, जिससे कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ उसे आपको वीक में 1 से 2 बार यूज़ करना है, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम सच में ठीक हो जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप अपने स्कैल्प को क्लियर रखो, आप 2 से 3 बार अपने स्कैल्प को वॉश करो, अपने हेयर को वॉश करो, हेयर को क्लीन करो, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो। सो ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑयलिंग करना है एंड शैम्पू करना है और कब कब शैम्पू करना है। मगर ये भी आपको ध्यान रखना है, जब आप शैम्पू करते हो सो आपको डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई अपने स्कैल्प में नहीं करना, इससे आपकी जो स्कैल्प होगी वो आपको और डैमेज करेगी और डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। आपको क्या करना है, थोड़ा अमाउंट में शैम्पू लेना है और थोड़ा अमाउंट में आपको वाटर लेना है, उस वाटर को शैम्पू में डिजॉल्व कर देना है, फिर आपको अपने स्कैल्प में यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प की हेयर फॉल भी नहीं होगा एंड
डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आपको दूर होगी। तो आपको ये सब सारी चीज़ें करनी है। अगर आप शैम्पू कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लेमन जूस लेना है, हाफ लेमन जूस ले लो या एक सिंगल लेमन जूस ले लो, एक सिंगल लेमन का एक जूस ले लो और उसको पानी में डाल देना है और उसे डायरेक्ट अपने हेयर पे वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, उस जूस को आपको अपने हेयर में डालना है, उसके बाद आपको वाटर से वॉश कर लेना है 2 से 3 मिनट के बाद। उससे क्या होगा कि आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी वो अच्छे तरीके से दूर हो जाएगी। अगर आपको ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर करनी है जल्दी से जल्दी, तो आप इस सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी गाइज, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी सच में। और इस रेमेडी को जो भी यूज़ करोगे आप सब, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम छूम अंतर हो जाएगी। और अपने स्कैल्प का आपको क्लियर करना पड़ेगा, स्कैल्प क्लियर रहेगा तो हेयर फॉल नहीं होगा, स्कैल्प क्लियर रहेगा तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी हेयर बिल्कुल हेल्दी रहेगी। तो चलिए बनाते हैं इस रेमेडी को। मैं यहाँ फ्रेश दही ले रही हूँ, मैं 4 चम्मच दही के ले लूँगी, 1 चम्मच मैं यहाँ पे नीम की पाउडर ले रही हूँ, नीम का पाउडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हाफ लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर लूँगी एंड 2 कपूर की गोलियाँ मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ये पेस्ट बन जाएगा। पा रहे हो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो चुकी है और मैं अपने ड्राई हेयर से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। सो मैं इस पेस्ट को यूज़ करूँगी और अपने हेयर को हेल्दी बनाऊँगी। अपने हल्के हल्के हाथों से आपको यूज़ करना है, अपने स्कैल्प में लगाना है, अपने फिंगर्स से हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज भी करते रहना है। एंड मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे कपूर यूज़ किया, दही यूज़ किया, लेमन यूज़ किया एंड नीम के पाउडर यूज़ किया। तो कपूर मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है। कपूर आपकी बालों को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। दही मैंने यूज़ किया है इसलिए कि ये डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दही आपके जो ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है, आपकी हेयर में एक शाइन प्रोवाइड करता है, आपकी हेयर बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करता है। लेमन यूज़ किया, लेमन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें सेट्रिक एसिड होता है जो कि आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो। तो मैंने यहाँ पे नीम के पत्ते यूज़ किए, नीम के लीव्स यूज़ किए। इसमें जो भी आपकी अगर आपको इन्फेक्शंस है जो भी है उसको वो दूर करता है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, मैं इसे 30 मिनट्स के लिए रखूँगी। ये रेमेडी बताया है, इसे आपको रेगुलर बेसिस में यूज़ करना, आपको इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है जिससे कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल छूम अंतर हो जाएगी। गाइस ट्रस्ट मी, आप इसे ट्राई करो, आप सच में बोलोगे मुझे कि कितना अच्छा रेमेडी है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं सारे लोगों का आंसर करूँगी। एंड आपको कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी डिमांड है कोई और वीडियोज़ के लिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। टिल देन, बाय बाय गाइज़।